दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, ये जहर है जिंदगी का, पोछा लगाना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं राम तगिरे, ए चलो काम तो या। हरामखोर, उठते ही उल्टे काम शुरू कर देता है। तुझे पता नहीं है पोछा लगा रखा है, गिर गया ना, चल निकल यहां से। गिर गया रे। अरे पापा, आप ये क्या कर रहे हो? बेटा ये प्लग काम ही नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या बात है। अरे तो खराब हो गया था ना, ये कहाँ से काम करेगा? आप बिना भुलक्कड़ गई। अरे बेटा उसी को तो ठीक कर रहा हूँ, अभी देखता हूँ जरा हो जाएगा ठीक। हाँ दोनों पाप बेटे कर क्या रहे हैं? मेन स्विच ऑफ कर रखा है, पता नहीं क्या ठीक करने लग रहा है। मैं करती हूँ। अरे ये बाप बेटे दोनों डांस कर रहे हैं और मुझे बुलाया भी नहीं। कोई बात नहीं, मैं भी डांस करती हूँ। ये क्या हो गया? अरे कुत्ते, तू तो काला हो गया, जा नहा ले जाके। क्या नालू? अरे मम्मी कल तो नहाया था। और सुन, साबुन खत्म हो गया, जाके दुकान से लिया। हाँ साबुन भी नहीं है, दुकान से लाना पड़ेगा। ला रहा हूँ। हाँ उधर ही जा रहा हूँ। इतनी गर्मी में कौन नहाता है यार रोज रोज? अरे यार ये डिलीवरी बॉय भी कहाँ रह गया, कब आएगा ये? रे कलिए इंगना, क्या 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 क्या, क्या भैया? थोम क्यों आ रहा पहलवाने? हाँ बोलो भाई बोलो। अच्छा ये बता, शर्मा का घर कहाँ है? ओहो किस पनौती का नाम ले लिया भैया आपने, नए नए आए हो क्या पड़ोस में?
हाँ आया तो पहली बार हूँ। अरे भैया उनके बारे में कोई नहीं पूछता। अरे भाई यहाँ पूरे पड़ोस की मनहूस फैमिली है, जो काम को वो बोल दे वो होता ही नहीं है कभी। नहायत ही घटिया फैमिली है। डिलीवरी देने जा रहे होगे? हाँ डिलीवरी देने आया हूँ। मेरे को पहले इंसान दिखियो जो शर्माज का एड्रेस पूछ रहा है मुझसे। किसी से पूछो पनौती वाले कौन है, वही बता देता है। डिलीवरी तो देनी है। चल बता वैसे कहाँ है घर? मेरा ही तो घर है, ये रहा कोने पे, जाओ। अजीब आदमी है। अरे यार मैं किसका इंतजार कर रहा हूँ, कौन आने वाला था पता नहीं। अरे छोड़ो यार। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा जी। वो मेरी शादी है तो मैं शादी का कार्ड देने आई थी। अरे वाह बहुत अच्छी बात है बेटा। लव मैरिज कर रहे हो अरेंज मैरिज? आंटी जी अरेंज मैरिज पापा जी की पसंद से। अरे बेटा लव मैरिज करनी चाहिए थी ना, लव मैरिज की तो बात ही अलग है। कैसी बात कर रहे हो आंटी जी? अरे और क्या बेटा, मैंने भी तो लव मैरिज की है। सच्ची आंटी? और क्या, तुझे पता है लव मैरिज के फायदे ही अलग है। अच्छा आंटी। अब देखो झाड़ू तो मैं वैसे ही लगा रही थी, तेरे अंकल बोले मैं लगा लेता हूँ। मैं बोली नहीं नहीं मैं ही लगाऊंगी, कुछ तो काम में हाथ बटा दूं। तेरे अंकल बोले नौकरानी लगा देते हैं, मैंने ही मना कर दिया। दो बंदे हैं क्या करेंगे नौकरानी रख के, हम दोनों एक दूसरे का हाथ बटाते ऐसे ही काम करते हैं। और सुन अरेंज मैरिज होती पता नहीं कैसा मिलता, सारा काम मुझे ही ना करवाता, नौकरानी बनवा के रखता। सही कह रहे हो आंटी। हाँ मेरी बात मान, तू भी मना कर दे शादी को, लव मैरिज करियो। एक सेकेंड आंटी। हेलो। हाँ क्या लड़का भाग गया? मुश्किल से तो अरेंज मैरिज में एक अच्छा लड़का मिला था, वो भी भाग गया। किस पनौती के घर आ गई मैं कार्ड देने के लिए, लड़का ही भाग गया, अब किससे करूँगी शादी। अरे बेटा दुख मत मान, लव मैरिज के तुझे मैं और फायदे बताती हूँ, आ जा चल। अरे बेटा दुखी मत हो, परेशान मत हो, इतनी टेंशन मत ले। अरेंज मैरिज का था इसीलिए तो भाग गया, अगर तूने लव मैरिज करी होती तो वो जाता नहीं आंटी। हाँ अरेंज मैरिज में ऐसे ही लड़के भाग जाते हैं, और लव मैरिज के बहुत ही फायदे होते हैं। अब देख मैंने खुद लव मैरिज की है इसीलिए तो राज कर रही हूँ, अरेंज मैरिज करी होती पता नहीं कैसा बूढ़ा खूसट शराबी नल्ला निकम्मा पता नहीं कैसा मिलता। अब तू ही देख लेना अपने अरोड़ा अंकल को। आंटी जी पर अंकल का नाम तो मेहता है ना? हाँ 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 मेहता, वही तो मैं बोल रही हूँ। देख मुझे महारानी की तरह रखते हैं, क्या मजाल मुझे चाय का कप भी उठाना पड़ जाए, सुबह की बैड टी भी वही देते हैं। देख ले मुझे कुछ भी काम नहीं करने देते, महारानी की तरह रखते हैं मुझे। पता नहीं किस भुलक्कड़ फैमिली के पास आगे कार्ड देने के लिए। हाँ अरे बेटा चल तुझे मैं और भी फायदे बताती हूँ। अरे बेटा मैं बोल तो रही हूँ, टेंशन क्यों ले रही है, देख अभी भी तेरे मुंह पे टेंशन दिख रही है। और देख इधर देख कितने पेड़ पौधे हैं, मैंने आज तक इनमें पानी नहीं डाला। अच्छा आंटी फिर कौन देते हैं? तेरे अंकल। अच्छा। हाँ और अरेंज मैरिज करी होती तो मुझे ही डालने पड़ते, करना पड़ता ना ये काम भी। कहाँ फंस गई, बहुत फायदे हैं बेटा इसके। अच्छा ठीक है आंटी मैं समझ गई, मैं कल आती हूँ बाकी का लेसन लेने के लिए। बाय। मैं यहाँ काम क्या करने आई थी, और ये लड़की क्यों भागी? हे भगवान ये भूलने की बीमारी भी मुझे क्या, छोड़ो। Once upon a times, कभी हमारा भी जमाना हुआ करता था, नई नई गाड़ियां कार स्कूटर मोटरसाइकिल ट्रक, आज ये एक दो तीन तीनों के तीनों ट्रक कंडम खड़े हुए हैं। एक्सीडेंट कर दिया, नुकसान कर दिया हमने बहुत अपना, लेकिन फिर भी आज दिल करता है कि नई गाड़ी चलाने का। कोई आज बकरा मिल जाए सही, उसको तो आज पूरी तरह काट ही डालेंगे। कोई आ जाए बस मजा आ जाए।
अरे क्या बात है, नई नई मोटरसाइकिल। अरे कहीं चोरी नकदी लाया? नहीं नहीं नहीं, ये नई गाड़ी है, हमारे पापा ने हमको खरीद के दिया है। अच्छा? अरे बेटा ये एक दो तीन ट्रक, ये भी मेरे कभी किसी टाइम में नए थे। बेटा मेरे को नई गाड़ी चलाने का बहुत शौक है, एक बार ये गाड़ी चला दे बेटा। अरे नहीं अंकल जी, हमको पता है आपका किस्सा और इंटरको का किस्सा, हम जा रहे हैं। अरे बेटा, अरे तू एक मिनट उतर दो सही जरा, गाड़ी एक बार चलाने दे, एक बार मैं चलाऊंगा इसको और देखूंगा कैसे चलती है ये। अरे हमको माफ कर दीजिए अंकल जी, बस ले जा रही हूँ, यही रुक। मर गया। अरे मेरी कमर गई, मेरी लात गई। अरे कोई बचाओ, अरे बचाओ कोई। मेरी लात, मेरी कमर। माते। बताओ बच्चा कैसे आना हुआ शिल्पा सेठी के पास? बताओगी माता? ए माता, हमारे कष्टों का निवारण करो माता। एक मिनट, तुम तो वही हो ना, तू गुलक्कड़, तू पनौती और तू कौन है? अच्छा समझ गई मैं तुम्हारी समस्या। भीम क्रीम, ठंडी आइसक्रीम, मीठी आइसक्रीम, तुम्हारी आइसक्रीम, मेरी आइसक्रीम, स्वाहा। ये लो तुम्हारी समस्या का समाधान, इसे घर ले जाओ और देखना तुम्हारे भी अच्छे दिन आ जाएंगे। ठीक है माते। ए केरा छोड़। मेरा नाम है शिल्पा सेठी, चलो जाओ। अरे पापा, ये नारियल क्या करेंगे हम? अरे बेटा, ये नारियल को घर ले जाएंगे, फोड़ेंगे और छिड़क देंगे, फिर बरकत ही बरकत, पैसा ही पैसा हो जाएगा हमारे पास। सच्ची? हाँ। हाँ, ये बढ़िया आया है। अरे पापा ये तो वही है ना? हाँ हाँ, अरे ये तो आज नई कार ले आया है, आज तो इसकी कार की ऐसी की तैसी, आज इसकी कार का एक राउंड लगा के ही रहूंगा। आ जा बेटा आ जा। अरे वो मेरा चिरकुट, तू और यहाँ पे, यहाँ कैसे? अंकल जी फिर हम हाथ जोड़ रहे हैं आपको, आप चले जाओ, दूर चले जाओ, आपकी वजह से हमारा बहुत नाश हो चुका। अरे नया गाड़ी? ओहो नई गाड़ी, फिर तो इसका मुहूर्त बनता है केशव। अरे बेटा नारियल दे दे इसकी। अरे इसकी गाड़ी। हाँ हेलो, क्या लॉटरी? ओ 1 करोड़ का। अरे लॉटरी लग गई इनको, पता चल हमारा लग गया। Hey guys! वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ यार आपका सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा था, आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से जल्दी, 1 लाख करवा दो, फिर बहुत बड़ा सरप्राइज आ रहा है आप लोगों के लिए। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।